بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قابل صد احترام جلالة الملك عبد الله ثاني ابن الحسين المعظم हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहा गया कि इस किताब के बारे में कुछ कहूं जो अभी शाह अब्दुल्ला साहब को पेश की गई है। हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद की किताब इस्लाम का तारुफ बाशऊर कारियन के लिए, इसको जो आज प्रेजेंट किया गया है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इस किताब में ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव, पीस एंड को एग्जिस्टेंस पर आलिमाना तरीके से रोशनी डाली गई है। हिज मैजेस्टी शाह अब्दुल्ला साहब ने इस किताब के फॉरवर्ड में बजा तौर पर फरमाया है कि इसकी इशात से आपसी खलीज को पुर करने में एक हद तक मदद मिलेगी। हम इंडियंस के लिए आपसी भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म, हर रंग, हर नस्ल, हर तहजीब के फूल खिलते हैं। जो चीज हमें जोड़ती और एक कौम बनाती है वो हमारा मजहब, रंग, नस्ल, तहजीब और जबान नहीं, बल्कि हम सब बाहमी मोहब्बत के ऐसे धागे में बंधी हुई एक कौम है। ऐसा नहीं है कि ये नेशनल यूनिटी किसी हादसे, किसी एक्सीडेंट की वजह से पैदा हो गई, बल्कि सेंचुरीज से ये इस राष्ट्र की आत्मा और इसकी मिट्टी में रची बसी है। हमारे मुल्क की इस देश की मुकद्दस शख्सियतें श्री रामचंद्र जी, महात्मा बोध, महावीर जैन और उनकी इंसानियत से मोहब्बत पर मबनी तालीमात हिंदुस्तानियों की रग रग में पेवस्त है। उनके बाद हजार सूफिया इकराम ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम के पैगाम मोहब्बत को इस मुल्क में प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस कराया। चुनांचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अभी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अवलिया रहमतुल्लाह अलैह का प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्किरा किया, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू रहिमहुल्लाह, गुरु नानक, तुलसीदास और कबीरदास जैसे सूफियों और संतों ने जो मोहब्बत के गीत गाए वो हमारी इस्लामी और कौमी विरासत, नेशनल हेरिटेज की पहचान है। हम भारतवासी महाराजाओं और बादशाहों के बजाय अपने जमाने के एक फकीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलों में बसाते हैं, जिन्होंने दिलों को जीता और जो दिल जीतता है वही असली बादशाह होता है। महात्मा गांधी की कामयाबी का राज उनका सबको एक साथ मिलकर चलना था और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हमारे अकाबिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिमहुमुल्लाह बाहमी रवादारी और नेशनल इंटीग्रेशन के बड़े प्रचारक थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मजहब इस्लाम की तालीमात की बुनियाद पर पार्टीशन का विरोध किया था और कंपोजिट नेशनलिज्म का, ध्यान कीजिएगा, कंपोजिट नेशनलिज्म का नजरिया पेश किया था, जिसने भारत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के कयाम में बड़ा रोल अदा किया।
लोगों का दिल जीतने के लिए मुसलमानों के पास दो हथियार है। मैं दिल जीतने की बात कर रहा हूं, एक ईमान और दूसरा इस्लाम। इस्लाम से सलामती और ईमान से अमन निकलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि मोमिन वो है जिसके हाथों तमाम इंसानों की जानें और माल महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया कि मुसलमान वो है जिससे किसी इंसान को खतरा ना हो। दीन इस्लाम के इसी मॉडल को पेश करते हुए जमीयतुल माहिन ने हमेशा कम्युनलिज्म और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद किया है। हमारी लड़ाई पिछले एक डिकेड से जारी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ 6,000 से ज्यादा मुफ्तियों और उलमाए किराम से फतवा लेकर आए और उसके बाद मुल्क के कोने कोने में जाकर 250 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस की। हमने दुनिया को बताया कि टेररिज्म के खात्मे में इस्लाम ही का सबसे बड़ा रोल होगा। मैं दुनिया की बड़ी ताकतों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने रेजोल्यूशंस में इस्लाम के मैसेज ऑफ पीस को शामिल करें, क्योंकि रिलीजन ही दुनिया की मेजोरिटी के लिए मार्गदर्शक है। इसलिए नफरत और बुराई को मिटाने में मजहब से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस्लाम देशवासियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करने का हुक्म देता है। मुल्क और समाज में कम्युनलिज्म को रोकने के लिए किसी खास सेक्शन के इंटरेस्ट के मुकाबले में नेशनल इंटरेस्ट का सुप्रीम होना जरूरी है। हमारे बड़ों ने मजहबी नुक्ते नजर से राष्ट्रहित को बड़ी अहमियत दी है और यह हमारे बड़ों का फैसला है। ध्यान कीजिएगा, यह हमारे बड़ों का फैसला है कि इंडियन मुस्लिम्स और इस नेशन का इंटरेस्ट कभी अलग अलग नहीं हो सकता। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाअल्लाह यह किताब दुनिया में फैली हुई बदअमनी और इस्लाम के बारे में मिसकॉन्सेप्शन के खत्म करने में बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इसका हिंदी और गुजराती ट्रांसलेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। मुझे कहा गया कि वोट ऑफ थैंक्स भी, तो जितने खूबसूरत अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया, इसके बाद किसी और वोट ऑफ थैंक्स की जरूरत नहीं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that concludes the program. May I request all of you to please remain seated while our distinguished guests leave. Thank you. Thank you.